मैरून कॉम्बिनेशन में हमने मम्मा को कहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसी जाऊंगी तुम लोग मुझे यहीं छोड़ने आओ, ठीक है? तब तो तुम सच बोल पाओगे। तो फिर तुम घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं, उन्होंने मुझे पैसे नहीं काट दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ हम लोग आ गए हैं और आज हो गई है 20 जनवरी और डे है सैटरडे। तो कल जो है खैर से मम्मा पापा जा रहे हैं सुबह सुबह, और आज के दिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आज फैज़ की बर्थडे है और फैज़ रात को लेट आए, तो इसलिए वहाँ से विश वाला हम कुछ नहीं बना सके, वो खुद 2 बजे आए थे। और इसके अलावा सुहान जो है वो है पूरा 4 साल 4 माह और 4 दिन का माशाल्लाह। तो अभी मम्मा उसकी बिस्मिल्लाह कराने लगी हैं। वैसे हम सबकी नानी ने कराई थी, और खैर आज नानी नहीं है तो मम्मा जो है अब ये जिम्मेदारी उठा रही हैं, और खैर से मम्मा सुपारा पढ़ाने लगी हैं। आज के दिन 3 इम्पोर्टेंट काम हुए हैं। हाँ, जोहान की बिस्मिल्लाह हुई है, फैज की सालगिरह, शोएब मलिक की शादी है। हाँ, शोएब मलिक की शादी भी आज के दिन, देखे कितनी शादी उसके 2-4 दिन पहले ही होगी। हाल स्टेटस अपलोड किया, रौनक और मैं सुबह से सदमे में है। खैर छोड़े, जोड़ी नहीं अच्छी लग रही है। चलो तुम्हें क्या है, मेरे व्लॉग में ये बातें डिस्कस ना करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार। नहीं भाई, मुझे मैं हैरान थी कि वाकई शादी हुई थी। मैंने गूगल पे सर्च किया, उमेर जायसवाल के साथ शादी थी या मंगनी थी। मैं तो इतनी भूखल आ गई सुबह स्टेटस देख के। खैर छोड़े छोड़े, हमें क्या बिस्मिल्लाह करने लगे, हम क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, तो चले आज के व्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक का बटन भी दबा देगा। ये माता श्री इसकी, ये 4 साल 4 माह 4 दिन का बच्चा, और ये इसकी नानी, और ये माशाल्लाह नूरानी कायदा। नानी ने करवाया था छबका, तो बस अब ये पढ़ने में नानी नानी करा रही है ना। खाना नानी का भी करवाया था, मामा का भी करवाया था। बिस्मिल्लाह इकरा जिसने रबिकल नजी खलक खलक बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई मिठाई खिलाओ, मुँह मीठा करो इसका। आपने रोजाना पढ़ना है मामा से, हमें भी खिला दो, हम भी इसी okay. बिस्मिल्लाह में शामिल। okay. मिठाई खा ली है? खा ली है। गुड, आपने अल्लाह ला दिया ना उसके। वाह, मामा पास भागा। बस अभी जोहान की जो है वो बिस्मिल्लाह खैर से हुई है, इंशाल्लाह ताला आगे वो कुरान पाक भी ख़त्म करेगा तो हम उसके आमीन भी करेंगे। और अभी फैज़ गए हुए हैं, और मे बी ये वीलॉग जो है वो अलग आए, और इसके बाद बर्थडे वाला वीलॉग जो है ना वो आए, और क्योंकि इस वीलॉग के दरमियान में, क्योंकि मामा पापा जा रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग है, तो मे बी ये वाला और जाने वाला इकट्ठा अटैच कर दूं मैं वीलॉग, और बर्थडे वाला वीलॉग अलग कर दूं। तो लेट्स सी रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि आज मेहमान वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस वजह से भी मैं बर्थडे वगैरह और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। देखिए तो बस अब हम मिलते हैं कुछ देर तक, क्योंकि जहद साहब ने जोर उठा के ना टैब जो है ना वो ज़मीन पर पट गया। तो गाइस ये पैकिंग की आखिरी चीज़, ये रैपिंग शीट जो है ना इस पर रैप हो रही है, ये और ये कैसे बाकी सब हो गया।
तो गाइज ये सुबह के 6 बजे थे और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मा वगैरह के लिए जाने के लिए रोटियां और कबाब वगैरह फ्राई कर रहे थे और हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे। एक टेंशन भी होती है सफ़र की और मेरी हालत देखे नींद से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत शदीद नींद आ रही थी मुझे। तो गाइज 6:30 का टाइम है और ये कबाब मम्मा ने लेके जाने और ये ठंडे नहीं हो रहे तो हम इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। 1 मिनट चलाने आए हैं। अरे जैसे ये दोनों उठ के मुझे तंग कर रहे होते हैं और आज देखिए ये उठ ही नहीं रहे हैं। ये देखें दोनों नखरे देखें इनके, उठो। और फिर वॉशरूम गए हैं, ये जो मैंने कर लिया और मैं सब बच्चों को चेंज कराती हूँ और बस। A few moments later तो वही है हम लोग तैयार, ये विदाउट मेकअप लुक। ये मेरा बच्चा, इधर देखो, हेलो करो। उई हुए, तो बड़ा ही गुस्से में लग रहा है इस टाइम। ये देखें ये फैज भी रेडी और ये लिहाफ कर दो, आके हमने दोबारा सोना ही है। बाकी जी ये सामान और ये सब तैयार हो रहे हैं। पापा मम्मा ने दुआ करनी है हम सबके लिए। अच्छा जी कहा सुना माफ। ओके पापा तुम तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? और ये तुमने इसका उल्टा पहना हुआ। अच्छा मैं इसको ले लेती हूं। टैग तुम्हारा नीचे आ रहा है ना, चश्मेर का पहना हुआ। तो गाइज एक गाड़ी जो है मुबीन के दोस्त की आनी है क्योंकि उसकी जो सामान रखने के पीछे डिग्गी वाली होती है ना वो ज़रा थोड़ी बड़ी है और एक भाई की गाड़ी है और हम वेट करें मुबीन का। बाकी हम सब रेडी हैं, ये सब रेडी हैं। मम्मा जो है वो मम्मा ने बाया वगैरह पहन लिया है, मम्मा भी रेडी हैं, सब रेडी। बस अब हम निकलेंगे, खैर 7 भी बज गए और नींद भी बहुत आ रही है, पूरी रात नहीं सोई मैं। मैंने बाया पहन लिया, अच्छा लग रहा है, देखा ये मैरून ही अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक के साथ मैरून कॉम्बिनेशन में हमने मम्मा को कहा है, अच्छा लग रहा है। लग भी अच्छी रही है, तस्वीर वस्वीर खींच लें ना। हाँ मम्मा एयरपोर्ट पर खींचेंगे आप। पापा खड़े देख रहे हैं, पापा ने अहराम जो है वो वहीं वहाँ उतरेंगे तो वहीं से पहले जद्दा एयरपोर्ट पर उतरना है ना। हाँ हाँ यहीं से पहन लेंगे। अच्छा पापा ने यहीं से, पापा यहीं से नियत कर लेंगे। A few moments later मुझे नहीं आऊंगी। अच्छा कंधा ये ग्लास हमारा भाई मुझे नहीं आऊंगी। ठीक है ये क्यों रखा है हमें नहीं पता। अच्छा यार बहुत याद आओगी, मुझे नहीं आऊंगी। अच्छा गाइस बाहर बड़ी ठंड हो रही है इसलिए मैंने कानों पे ना वो रख लिया। ये देखिए मेरा बच्चा लड़की लग रहा है आज, हो सकती है। मुझे कहा क्या कहना है, क्या कहना है, कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, इतनी देर में वो आ गए। मैंने कहा पता नहीं क्या झूठी बोल रहा है कि मैं जा रही हूँ। मैंने कहा उनको तो लगना भी नहीं है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी ऐसी जाऊंगी तो मैं मुझे यूँ छोड़ने आऊंगी। ठीक है तब तो तुम सच बोल पाओगे, झूठ क्यों बोल रहे। तब भी हम जा ही रहे हैं ना, पूरी आवाम लोग। अच्छा मुझे हंसी भी, उसने इतनी शक्की नजरों से हमें देखा है। मिल जाएगी जगह यार, क्या हो गया।
गाइस बहुत सर्दी है, गाइस बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। मेरे कानों में से ना काल मेरे बर्फ हो गए, इतनी सर्दी है। मैं कसम से 2 महीने बाद तुझे अमेरिका के लिए यही सी ऑफ करने आ रहे हूँ। अच्छा लगा, मैं तो चाहता था मेरी पूरी फैमिली है। अच्छा, फैसले कुछ ऐसे ले लिए थे जो मेरे घर वालों को ना पसंद थे। तो फिर तुम घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अभी मैं पत्तों की जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। तो यहाँ से डाइवर चलती है। ओके, तो ये मेरे ये भी जा रहे हैं। अच्छा, इनको भी निकाल दिया? किस चक्कर में निकाले आप दोनों को? कुछ नशा नशा करते थे तो क्या? नाइस स्टाइल। सर्दी नहीं लग रही वैसे? आप भाई फैशन करें, अमीर आदमी को कभी सर्दी नहीं लगती। रियली? ठीक है, चल भाई। तो गाइस इस तरह से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और अब हम वेट करें कि हम ऊपर जाएंगे। चलो भाई लाइन में लग जाओ। तो जाने वाले भी, ये भी, ये दो पोलियो के कतरे पी लिए तुम दोनों ने? दिखा जुबान दिखा। सही तो सीधी तो नहीं हुई, सीधी नहीं हुई अभी, लेकिन मता बच्चे ले जाएंगे ऐसे करोगे तो। गाइस ये रश चेक करें, और फ्लाइट भी थोड़ी सी लेट हो गई है 1-2 घंटे, और बस अब बैठे रहो। ये देखिए रश चेक करें, क्योंकि टर्किश एयरलाइन भी आई हुई है और बाकी एयरलाइंस भी आई हुई हैं, तो बहुत रश है। मेरे पापा मामा वगैरह ये सामान और ये लोग बैठ गए हैं। फ्लाइट जो है वो लेट हो गई है थोड़ा। तो गाइस फ्लाइट बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। तो अभी फ़िलहाल बैठने की जगह मिल गई थी, तो बस यहाँ बैठे वेट ही कर रहे थे। Thousand years later. खाने वाला उसके ऊपर आपने दुआ की। मिलो भाई, मेरे व्लॉग में आ रहे हो, हेलो कर दो। दुआएं राजू, पीस आउट। जा रहे हैं मिलो। जा रहे हैं यार वो दादी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करना बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा। परेशान okay. होइएगा, एक भी कर लिए चले चाचू, और दुआ करिएगा। ठीक है, आप घर जाके दुआ कर लीजिएगा। ओके अल्लाह। और ये फैज भी और ये फजान भी। कल को मैं स्टार बन गई ना, तो तुम लोग यही वी लोग उतार उठा के देखोगे। कौन देखी? वो कौन है? यार से कहो कमेंट भी किया करे ना। सारे देख रहे हैं। चलो ओके पापा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो ओके ना, दुआ करना हमारे लिए। हाँ सबके लिए। ओके बाय गाइस। ये दोनों जा रहे हैं, मुंदू खान, ये देखे इनकी शक्लें। हमें नहीं लेके जा रहे, चलो इट्स ओके, हम लोग नहीं जाएंगे। बाय बाय। ये नीचे खाली है, कोई नहीं आ रहा, सब जा ही रहे हैं। खैर से जाएं सारे। बहुत सर्दी है। गाइस जैसे कि हम लोग जल्दी निकले थे और सुबह उस टाइम नाश्ते का दिल भी नहीं कर रहा था, तो अब हम लोग नाश्ता करने आ गए थे कैपरी लिबर्टी में। और बस हम लोगों को भूख भी बहुत लग रही थी और नींद भी बहुत ज़्यादा शदीद आ रही थी, तो ये सब बैठ के ऑर्डर करके वेट कर रहे थे और मेरी हालत चेक करें। और फाइनली जी ये आ गया था हमारा नाश्ता, हलवा पूरी, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने जो था ना वो निहारी मंगाई थी। और ये लस्सी बहुत 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 ज़्यादा मज़े की थी, जिसके पीने के बाद शाम तक मेरे सर में घूमता रहा था, क्योंकि वो हो जाता है ना ज़रा सर घूमता रहता है। बाकी जी ये मैं लस्सी पी रही थी। मतो मज़े की मेरा बेटा लच्छी की। और वो देखें वो क्यों के जावियर, माशाल्लाह माशाल्लाह।
पी लो मुझे दे दिया। A few moments later. और गाइस बस ये अब हम लोग जा रहे थे घर और इसके बाद रौनक ने अपना सामान लेकर आगे अपने घर जाना था तो बस घर जाके हम लोग सो गए, कुछ होश नहीं थी। और ये फैज को लग रहा था कि मैं पिक्चर ले रही हूँ। तो गाइस अभी जो है वो शाम का टाइम है और इस टाइम मेरे तीन व्लॉग जो है ना वो इकट्ठे एडिटर में चल रहे हैं और एक अभी अपलोड हो जाएगा और एक और है, एक ये वाला जिसका मैं एंडिंग ले रही हूँ वो है। तो अब ये है कि इस सारे वीलॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पापा मम्मा की फ्लाइट लेट हो गई थी और मतलब 11 बजे थी क्या 11:30 और वो गई थी 2:30 बजे, लेकिन ये था कि उन्होंने अंदर फिर जैसे ही रश कम हुआ एक एयरलाइन का तो फिर उन्होंने एंट्री वगैरह दे दी थी और बोर्डिंग वगैरह शुरू हो गई थी। आज वाले वीलॉग को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम रात को भी नहीं सोए, फिर आए मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने सोची चीज़ें समेटी और बस सो गए। और अभी हम लोग उठे, खाना वगैरह खाया, मैं पी रही हूँ अपने इतने दिनों बाद ये वाले कप में कॉफ़ी, मैं और मुबीन। बाकी सालन वगैरह हमारा आज हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि रात को मम्मा ने जो बनाया था चिकन का वो रखा हुआ ही था क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं था, तो वो था। साथ कबाब फ्राई कर लिए, ये फैज साथ बैठे हुए हैं। और अभी मुझे कुछ नहीं पता कौन सा वीलॉग पहले आना है कौन सा वीलॉग बाद में आना है। हो सकता है फैज की बर्थडे का वीलॉग पहले आ जाए और ये वाला बाद में आए, लेट्स सी कैसे चलाती हूँ मैं। बाकी हो सकता है कि ये पहले वो पहले आ जाए, तो भाई आप ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लें। और वो वाला वीलॉग अगर अपलोड हो गया है और नहीं तो अगले वीलॉग आपको वही मिलेगा कि फैज की बर्थडे का और गिफ्ट फैज को क्या मिला। तो आज की वीलॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल के आइकन का बटन दबा दें और मम्मा पापा भी इंशाल्लाह ताला खैर से पहुंच जाए इंशाल्लाह और अपना उम्र वगैरह कर लें। तो चलें इस वीलॉग को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।